सेट थ्योरी के चैप्टर में सबसेट से बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। कुछ सवाल मैं आज की क्लास में लेकर आया हूं और आप इन सवालों को अगर एक बार लगा लेंगे तो एग्जाम में सबसेट से आने वाला कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसेट के सवालों को। पहला सवाल हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज। कह रहा है कि अगर हमारे पास में कोई सेट है, अगर उस सेट से अगर हम सबसेट बनाए तो उस सबसेट में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब सॉरी अगर सेट में एलिमेंट की संख्या n है तो सबसेट हमको बताने हैं कि उन n एलिमेंट वाले से कितने सारे हम सबसेट बना सकते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी भी सेट में हमारे अगर n एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो बात याद रखना कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ये होते हैं 2n। किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2n। तो इस सवाल का जो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2n, डी ऑप्शन। अगला सवाल कह रहे हैं द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट इज। अगर इसी तरीके से अब यहां पे n की वैल्यू दे रहा है कि अगर किसी सेट में हमारे पास में 5 एलिमेंट है तो बताओ इसमें कितने हमारे सबसेट्स बन सकते हैं। तो अगर n की वैल्यू हमारी 5 है, n की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट्स का जो फॉर्मूला है वो हमारा हो जाएगा 2n, और n की जगह हमारा क्या है 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी सेट दिया हुआ है, अगर उसमें n एलिमेंट दिए हुए हैं तो उससे बनने वाले सबसेट की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2n, और कैसे निकाल सकते हैं और किस तरीके के एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी में एक और सवाल बनता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। एक स्पेशल वर्ड आपको पूछा जाता है, प्रॉपर सबसेट। अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं सेट से सबसेट, तो यहां पे एक और बात हो रही है प्रॉपर सबसेट। तो अगर किसी सेट से सबसेट बना रहे हैं तो वो प्रॉपर सबसेट तब होता है जब वो सेट में, सबसेट में सेट से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम रहते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि हमारे पास में मान लो कोई एक सेट है इस तरीके से दिया हुआ है कि जो ए है हमारा वो इस तरीके से एक सेट दिया हुआ है जिसमें हमारे पास में 4 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। तो इसका जो प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट मान लो हमने कहा कि बी हमारा प्रॉपर सबसेट है, तो कंडीशन ये होगी कि जो बी होगा वो कभी भी इसमें चारों एलिमेंट्स नहीं होंगे, इसमें ये जो हमारे चारों एलिमेंट्स है ना ये नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी बी हमारा हो सकता है, मतलब इन चारों से एक हटा दो कोई भी, 1, 2, 3 ये हो सकता है, या हमारा ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब सिर्फ आप 1, 2 ले लो ये भी हो सकता है, आप ना लो वो भी हो सकता है, लेकिन आपको सारे एलिमेंट नहीं लेने, मतलब एक ऐसा सबसेट बनेगा जिसमें ये सारे एलिमेंट है, बस ये छोड़ के, इसको छोड़ के सारे जो हमारे सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे सबसेट ये हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी हमारे पास में सेट है, सेट में हमारे पास में कितने एलिमेंट हैं, सेट हैव एन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ जो सेट बनेगा, नंबर ऑफ जो सेट्स बनेंगे, सॉरी नंबर ऑफ जो सबसेट्स बनेंगे वो बनेंगे 2n। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ क्या बात करें, प्रॉपर सबसेट, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपका एक सेट है ये वाला सेट एक नहीं बन पाएगा, इसकी वजह से हमारे पास में टोटल नंबर में से एक कम हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, जितने भी हमारे सबसेट बन सकते हैं उसमें से एक सेट अगर हम हटा दें, वो कौन सा सेट है, वो खुद वाला सेट, तो जो बाकी बचे सेट बनेंगे वो हमारे प्रॉपर सबसेट होंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है, 2n-1। बोलो बात सभी को क्लियर हो गई। अच्छा दो बातें हैं, जैसे अगर ए हमारा सेट है और बी हमारा क्या है, प्रॉपर सबसेट, तो बी के लिए अगर हम लोग ए की बात करें तो बी के रिस्पेक्ट में ए हमारा क्या हो जाता है, सुपर सेट हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, सुपर सेट हो जाता है। इसको उपसम, प्रॉपर उपसमुच्चय बोलते हैं, इसको अधिसमुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं, सुपर सेट। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, बात समझ में आ गई। इसी पे एक सवाल देखो, इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये हमारे पास में एक सेट दिया हुआ है, कह रहा है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर ए का प्रॉपर सबसेट बताना है, हमारे पास में टोटल कितने एलिमेंट है, आप देखोगे कि इस सेट में 1, 2, 3, 4, 5
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे हो गए, पांच हो गए। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करें, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करें तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 की पावर n और माइनस में 1, तो 2 की पावर n माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 5 और माइनस में 1, 2 की पावर हमारा 32, 32 में से एक घटा देंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 31। तो इस सवाल का सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। बोलो बात सभी को क्लियर होगी, उम्मीद करता हूं कि बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो इसी में इस तरीके का एक और बढ़िया सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये हमारे पास में एक सेट दिया हुआ है, ए इज अ सेट, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स। अब हमको ये बताना है कि अगर ये एक सेट है, इससे अगर हम कोई दूसरा सेट बना रहे हैं और उस दूसरे सेट में सिर्फ दो एलिमेंट रख रहे हैं, मतलब ये हमारा सेट है, इससे हम सबसेट बना रहे हैं लेकिन उस सबसेट में हमारे पास में सिर्फ दो ही एलिमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमको बताना है कि ऐसे कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर मैं बताऊं तो एक हमारा हो गया एक और दो ले लो, ये एक हमारा सबसेट हो गया, एक और तीन ले लो ये हमारा एक सबसेट हो गया, एक और चार ले लो ये हमारा एक सबसेट हो गया। तो इस तरीके से पूछ रहा है कि हम कितने सारे सबसेट बना सकते हैं। आप ऐसे समझो कि इसमें हमारे पास में कितने सारे एलिमेंट है, आप बोलोगे सर इसमें हमारे पास में 10 एलिमेंट है, इस 10 एलिमेंट में हमको कितने एलिमेंट लेने हैं, दो एलिमेंट लेने हैं, तो 10C2। C क्यों लगाया है, क्योंकि हमको कॉम्बिनेशन लेना है। अगर मैं बात करूं एक दो या दो एक, तो ये हमारे दो सेट नहीं है, ये दोनों हमारे एक ही सेट है, ये दोनों सेट कैसे हैं, सेम है। अगर सेम है तो हमको परमुटेशन लेने की जरूरत नहीं है, हमको कॉम्बिनेशन लेने की जरूरत है। तो हमारे इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, हमको उतने सारे सबसेट मिलेंगे जितने जितनी वैल्यू ये होगी, मतलब 10 में से दो दो के कितने सारे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, इस 10 में दो दो नंबर के कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10C2। इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, बड़े आसानी से, नीचे अगर हमारा दो है तो हमको ऊपर नंबर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ले जाना होता है, कितनी बार, जितनी बार नीचे नंबर लिखा हुआ, दो लिखा हुआ तो दो बार, ठीक, और नीचे वाले नंबर को दो लिखा है तो इसको भी हमको बढ़ाना होता है, मतलब ऊपर घटाना होता है नीचे बढ़ाना होता है। ऊपर बड़े वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं और एक एक नंबर घटते जाते हैं, नीचे एक से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास में इस तरीके से लिखा होता है 10C3, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 10 × 9 × 8 और बटे में नीचे हमारा क्या होता है 1 × 2 × 3। ये हमारा बेसिक वैसे तो होता है, अगर हमारा NCR लिखा हुआ है तो इसको सॉल्व करने का जो बेसिक मेथड होता है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में जो हमारा शॉर्ट मेथड बनता है उसी को मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया है। इसको आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि अगर 10C3 है तो ऊपर वाले नंबर को तीन बार घटाएंगे 10, 9, 8 और नीचे वाले नंबर को एक से स्टार्ट करके तीन बार बढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा, ये हमारी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 90/2, 90/2 का मतलब कितना हो जाएगा 45। तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। बोलो बात सभी को क्लियर हो गई। इसी पे देखो एक और सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही प्यारा सवाल है, कह रहा है ए हमारा एक सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट दे रखे हैं, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। हमको कह रहा है इसके नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं कि कितने होंगे, कंडीशन क्या दे रहा है, विथ एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स, कह रहा है हमारे पास में कम से कम में 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो कम से कम में 3 एलिमेंट का मतलब क्या आता है, कह रहा है कम से कम में 3 एलिमेंट, एटलीस्ट 3, इसका मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब समझेंगे। एटलीस्ट 3 का मतलब यह है कि 3 होना चाहिए कम से कम, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 से ज्यादा कितना हो सकता है, एटलीस्ट 3 का मतलब हमारा क्या हो सकता है 3 हो सकता है, एटलीस्ट 3 का मतलब हमारा 4 भी हो सकता है। टोटल हमारे पास में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो किसी सबसेट में हमारे पास में 3 एलिमेंट है तो भी ओके है, 4 एलिमेंट है तो भी ओके है, तो एटलीस्ट 3 का मतलब होना चाहिए 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। अब अगर मान लो हमको ये 4 एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स वाले सबसेट बनाने, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, आप बोलोगे 4C3 बनेगा। लेकिन हमको ये भी लेना है और साथ में ये भी लेना है कि 4 में से अगर 4 वाले कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कितने बनेंगे, इतने बनेंगे, तो हमारा जो टोटल वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 4C3 की बात करूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 और 4C4 की वैल्यू बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अच्छा मैं आपको एक बात और बताता हूं, NCR की जो वैल्यू होती है ये NCN-R के बराबर होती है, पहली बात तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि अगर NC1 है तो इसकी वैल्यू n के बराबर होती है और NCN है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ये सारी बातें अगर आप याद रखोगे तो ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं ये सारे आसानी से आपको
क्लियर हो जाएंगे। देखो पहले मैंने 4C3 को ये वाले फॉर्मूले से मैंने क्या बोला, 4C3 है, NCR है, यहां पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो इसमें से इसको घटा के लिख सकते हैं, मतलब इसमें से इसको घटा के, ये वाला ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाले नंबर को क्या कर सकते हैं इसमें से इसको घटा के लिख सकते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4C1। अब ये हमारा क्या बन गया, NC1 बन गया, तो NC1 बन गया तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा, इसीलिए इसका मान 4 लिख दिया, और NCN हमेशा 1 के बराबर है, 4C4 NCN के बराबर है, तो ये 1, टोटल हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बोल बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, तो उम्मीद करता हूं ये भी सवाल अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा। तो किसी भी सेट से नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, या किसी सेट से नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी अगर हमारे फिक्स कर दिए जाए कि 2 एलिमेंट लेना है, 3 एलिमेंट लेना है, 4 लेना है, कम से कम 2 लेना है, कम से कम 3 लेना है, कम से कम 4 लेना है, तो जितने भी तरीके के हमारे सेट से सबसेट बनाने वाले या नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले सवाल हैं वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, मैंने थोड़ा स्पीड से बढ़ाया है, अगर कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई तो वीडियो को आप 1 से 2 बार और देख लेना, सारी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। छोटे से वीडियो में मैंने प्रॉपर मतलब अच्छे से आपको सबसेट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, जो प्रॉपर सबसेट है वो कैसे निकालते हैं, सबसेट में अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स कर दिए जाए कम से कम 3 या 4 है वो कैसे निकालते हैं, सारा मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और जो भी मैंने सवाल करा है वो एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, और इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियो अगर आप चाहते हो, छोटे छोटे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी मैं ढेर सारी वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।